वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज इंग्लिश की चर्चा हो रही है और इस वीडियो में हम सेंटेंस की चर्चा करते हुए उसके आगे का जो पार्ट बचा हुआ है, यानी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, हम उसकी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे इस समय क्या टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम क्या देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने तीन प्रकार के सेंटेंस की चर्चा की थी, जिसमें एक था सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी मुख्य रूप से यही तीन सेंटेंस होते हैं। फिर मैंने असर्टिव सेंटेंस को चार भागों में बांटा था और मैंने बोला था कि मतलब ये जो आपका सिंपल सेंटेंस है उसको चार भागों में बांटा था, और मैंने बोला था उसमें चार चीज़ें आती हैं, अर्थात उसमें क्या क्या आती हैं। उसमें आपका आता है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, फिर इम्परेटिव, और चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी। और फिर आपका जो असर्टिव सेंटेंस है उसके दो पार्ट बताए थे, एक था अफर्मेटिव या पॉजिटिव और दूसरा था आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने पूरा सिंपल सेंटेंस की चर्चा की थी। सिंपल सेंटेंस में बचा था तो क्या बचा था, वो बचा था अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में जो असर्टिव के दो पार्ट थे, जिसमें एक था कौन, एक था अफर्मेटिव और दूसरा कौन था, दूसरा था आपका नेगेटिव। इन दो सेंटेंस की चर्चा होनी बाकी रह गई थी और बाकी पूरा का पूरा सिंपल सेंटेंस और उसके चार प्रकार खत्म हो गए थे। फ्रेंड्स, अगर अफर्मेटिव की बात करें तो व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, मीन्स द सेंटेंस विच डिनोट्स अबाउट एन एक्शन इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब क्या हुआ, ऐसा वाक्य जो कार्यों का बोध कराता है। कहने का मतलब यह है कि वह वाक्य जिसमें किसी कार्य के करने का बोध होता है, किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मतलब इसमें कार्य होता ही होता है। और फ्रेंड्स, याद रखेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा राम लर्न्स, LERNS, लर्न्स हिज लेसन, राम अपना पाठ याद करता है। यहाँ पर कार्य का होना पाया जा रहा है, कार्य का होना पाया जा रहा है। कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का, याद करने का कार्य हो रहा है। क्या याद करने का, पाठ को, लेसन को याद करने का। तो मीन ये सेंटेंस क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्या कि ही इज रनिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ रहा है, ऑन द रोड। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है, आप बोलेंगे कार्य दौड़ने का हो रहा है, रन कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो फिनिश शब्द है, ये सेंटेंस है, इसमें भी कार्य का होना पाया गया, कार्य हो चुका। तो मैंने क्या बोला कि जिस वाक्य में कार्य के होने या करने का बोध हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंस में कार्य का होना पाया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस, तो आप बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस इज दैट हु हैज द सेंस ऑफ नेगेशन। नेगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें नेगेशन का बोध होता है, नकारात्मकता का बोध होता है। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कार्य के न होने की सूचना मिले, कार्य के न होने की सूचना मिलती है, उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैंने आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ पर नहीं जाता हूँ। यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। मैंने लिखा यहाँ पर क्या, ही इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। अब यहाँ पर देखिए, ही इज नॉट लर्निंग हिज लेसन दिया हुआ है। यहाँ पर कार्य के न होने की सूचना मिल रही है। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जिसमें कार्य के होने की सूचना मिलती है वो सकारात्मक सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है, और जिसमें कार्य के न होने की सूचना मिलती है उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, ये आपका असर्टिव सेंटेंस का पार्ट था और ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आते थे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, सिंपल सेंटेंस के प्रकार यानी असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा, इंपरेटिव को पढ़ा, इंट्रोगेटिव को पढ़ा और एक्सक्लेमेटरी को पढ़ा। और असर्टिव सेंटेंस के दोनों पार्ट यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों को पढ़ा। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला था तीन सेंटेंस में से सिंपल सेंटेंस, वो खत्म होता है। दूसरे सेंटेंस की हम चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। ये आपका कौन कौन बच रहा है, अब बच रहा है आपका कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड के बाद दूसरा जो सेंटेंस, इसमें तीसरा सेंटेंस है वो क्या है, वो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्योंकि सिंपल की चर्चा हम लोग क्या कर चुके हैं, सिंपल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो इसकी चर्चा हो गई है। बचा क्या, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फ्रेंड्स, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या है, इसको जानने के लिए
हालांकि डिफिनेशन आप देखेगा व्हाट इज कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो कंपाउंड सेंटेंस इज दैट इन विच एट लीस्ट टू प्रिंसिपल क्लॉजेस आर मेंशनड एंड बोथ आर कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज प्रधान वाक्य निहित रहते हैं और वो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े रहते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज. सॉरी, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस. फिर से सुनेगा मैंने क्या बोला. मैंने कहा वह वाक्य जिसमें कम से कम दो प्रधान वाक्य, कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज निहित होते हैं और वो दोनों किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस. आपको अभी समय में नहीं आया होगा, डिफरेंशियल तो मैंने बता दिया कि इसमें क्या होते हैं. इसमें टू क्लॉजेस होते हैं. कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, टू प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं. और ये जो टू प्रिंसिपल क्लॉज है, क्लॉजेस हैं, ये किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं. अभी समझाता हूँ. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है और दोनों किसी न किसी सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से जुड़े होते हैं, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. मतलब इसमें आप देखिए, इसमें क्लॉज है, एक क्लॉज ये है और प्लस एक क्लॉज ये है, दो क्लॉज इसमें है, क्लॉज फर्स्ट क्लॉज सेकंड. और ये जो दो क्लॉज है, ये कौन सा क्लॉज है? आप बोलेंगे ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है. और ये जुड़े किससे हैं? आप बोलेंगे ये जुड़े हैं एक कंजक्शन से. कंजक्शन कौन है? आप बोलेंगे कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कंजक्शन कौन सा है? ये कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो जो दो प्रिंसिपल क्लॉज अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ करके किसी सेंटेंस में आते हैं तो वो कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है. एक आपका क्या होता है? आप एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ साथ क्या होता है? दूसरा आपका होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज. दूसरा क्या होता है आपका? सबॉर्डिनेट क्लॉज. और प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज किसी न किसी सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं. किससे जुड़े होते हैं? आप कहेंगे सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं या रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े होते हैं या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होते हैं. प्रिंस, आपके मन में बार बार ये विचार आ रहा होगा कि यहाँ पर क्लॉज लगा हुआ है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और इसमें सबॉर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज है. इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, ये सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्लॉज क्या है? ये प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? दोस्तों, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझना है तो पहले आपको क्लॉज को जानना होगा कि क्लॉज आखिर होता क्या है, क्लॉज के प्रकार क्या है, एटलीस्ट प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है. तो फ्रेंड्स, बहुत साफ शब्दों में बताना चाहूंगा आपको संक्षेप में क्लास के बारे में, क्लास क्या होता है. तो आप याद रखिएगा, ऐसा शब्द समूह जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं तथा जो अपना सेंटेंस, अपना सेंस स्वयं कंप्लीट करता है, उसे बोलते हैं क्लास. मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज बोथ पार्ट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट and creates a complete sense itself is known as principal clause. Sorry, known as clause. जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया? हमने यहाँ पर बोला the boy, yeah, I know the boy who helps me always. मैं उस लड़के को अच्छे प्रकार से जानता हूँ जो अक्सर मेरी मदद किया करता है. अब देखिएगा, मैंने आपसे बोला ना कि ऐसा शब्द समूह जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है और जो अपना सेंटेंस, अपना सेंस कंप्लीट करता है, उसे बोलते हैं क्लॉज. फ्रेंड्स, ये जो क्लॉज होता है आपका, ये जो क्लॉज होता है, इस क्लॉज में दो पार्ट होते हैं. एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज. एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज. ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? आप बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होता है या प्रिंसिपल क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो अपनी मीनिंग खुद निकालता है, अपना सेंस खुद कंप्लीट करता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. इसमें क्या होता है?
इसमें सेंटेंस की तरह सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, और याद रखेगा जिस भी चीज़ में चाहे वो सेंटेंस हो चाहे वो क्लास हो, अगर वह शब्द समूह के रूप में आया है, अगर उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं तो वह प्रिंसिपल क्लास कहलाएगा या तो फिर सेंटेंस कहलाएगा। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया यहाँ पर, क्या मान लीजिए मैंने यहाँ पर किया ही इज अ बॉय। अब देखिए ये जो ही इज अ बॉय है ये कौन सा क्लास है? ये प्रिंसिपल क्लास है, प्रधान उपवाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट भी है, ये सब्जेक्ट है, और ये जो आपका दिया हुआ ये क्या है आपका, ये आपका प्रेडिकेट है। इतना तो आप समझ गए होंगे, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है वह अपना सेंस स्वयं कंप्लीट करता है, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। फ्रेंड्स याद रखेगा, प्रिंसिपल क्लास को अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लास की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट क्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास भी बोलते हैं। इसे मेन क्लास भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे मेन क्लास भी बोला जाता है, और इसे कोऑर्डिनेटिंग क्लास भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेटिंग क्लास भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हैं, मेन क्लास भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लास कह सकते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट डजंट नीड एनी टाइप ऑफ अदर क्लासेस हेल्प्स टू कंप्लीट इट्स सेंस, इट्स मीनिंग। इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। अब फ्रेंड्स देखिएगा सबॉर्डिनेट क्लास क्या होता है। आप कहेंगे सबॉर्डिनेट क्लास वह क्लास होता है जो हमेशा अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लास के ऊपर निर्भर रहता है। मीन दैट ये कि सबॉर्डिनेट क्लास कभी भी अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि अगर सबॉर्डिनेट क्लास अपनी मीनिंग नहीं कंप्लीट कर पाता, इसका मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से कोई एक पार्ट मिसिंग होता है, और पार्ट कौन सा मिसिंग होता है? पार्ट मिसिंग होता है सब्जेक्ट का। मीन दैट इसमें सब्जेक्ट पूरी तरह से मिसिंग होता है, सब्जेक्ट को जानने का प्रयास होता है, सब्जेक्ट को जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन सब्जेक्ट मिसिंग होता है, प्रेडिकेट होता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि सबॉर्डिनेट क्लास है? तो आप याद रखेगा जो सबॉर्डिनेट क्लास होता है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हम प्रोनाउन वाले चैप्टर में आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना जानिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन होते हैं। आप कहेंगे यहाँ पर वो होता है, फूज होता है, बीच होता है, फूम होता है, दैट होता है, एक्सेट्रा, मीन्स वो वोज विच वोम दैट एक्सेट्रा, इन सब से शुरू होता है। और किससे शुरू हो सकता है? आप बोलेंगे ये रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, आरे से शुरू होता है। और रिलेटिव एडवर्ब कौन है? आप बोलेंगे वेयर रिलेटिव एडवर्ब है, वाई रिलेटिव एडवर्ब, सॉरी हाउ रिलेटेड रिलेटिव एडवर्ब है, और व्हेन रिलेटिव एडवर्ब है। यानी ये जो आपका सबॉर्डिनेटिंग क्लास होता है, सबॉर्डिनेट क्लास अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए हमेशा प्रिंसिपल क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। और ये जो आपका सबॉर्डिनेट क्लास होता है वो या तो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, मतलब वो वोज विच वोम दैट से शुरू होगा, या तो फिर रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होगा, मतलब वेयर हाउ व्हेन से शुरू होगा, और या तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा। जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पर एज सून एज दिया हुआ है, दो दिया है, व्हाइल, बहुत सारे जो है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो कंजंक्शन वाले टॉपिक में आप पढ़ेंगे, उनसे शुरू होता है। कैसे? अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, आप जरा सा देखिए तो एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करें तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए किया क्या, मैंने लिखा This is the girl who slapped me. This is the girl who slapped me. यही वह लड़की है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो क्लास है, क्योंकि सबॉर्डिनेट क्लास अकेले नहीं आएगा, जब भी आएगा वो प्रिंसिपल क्लास को साथ में लेकर आएगा। अब देखिए यहाँ पर दो क्लास है, दो क्लास क्या है, एक क्लास यहाँ से यहाँ तक है दिस इज द गर्ल, और दूसरा क्लास है वो स्लैप्ड मी। ये जो क्लास है ये प्रिंसिपल क्लास है,
प्रिंसिपल क्लास है और ये जो दूसरा वाला क्लास है वो है आपका सबॉर्डिनेट क्लास। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्लास में मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिंसिपल क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, यानी यहाँ पर जो दिस है वो आपका क्या है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और इस से लेकर के ये जो लगा करके ये द गर्ल तक है ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो गया। मतलब सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, और ये जो आपका दिया है ये प्रेडिकेट है। और हम जानते हैं कि जिस भी क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है वो अपना अर्थ कंप्लीट करता है स्वतंत्र रूप से, और ऐसे क्लास को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लास। तो ये प्रिंसिपल क्लास हुआ। अब मैंने अभी आपको सबॉर्डिनेट क्लास के बारे में बताया कि सबॉर्डिनेट क्लास वह क्लास होता है जो कभी भी अपने आप में अपनी मीनिंग क्लियर नहीं कर पाता है, इसलिए वह हमेशा प्रिंसिपल क्लास की सहायता लेता है। अगर मान लीजिए आप इसको अलग कर दे थोड़ी देर के लिए, इतना पढ़े फूस लैब्रमी, मुझे किसने थप्पड़ मारा था, मुझे कौन थप्पड़ मारा था, क्या किसी पार्टिकुलर बॉय या गर्ल के बारे में या जिसने आपको थप्पड़ मारा था क्या उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं ना। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट को जानने का प्रयास किया जा रहा है, जिसने थप्पड़ मारा उसको जानने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो आपका सबॉर्डिनेट क्लास होता है उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, बल्कि सब्जेक्ट को जानने के लिए हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन ये किससे शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है फू, यानी कि फू क्या है, मैंने अभी आपको बताया था फू रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी शुरुआत रिलेटिव प्रोनाउन से होती है। तो ये क्या है आपका सबॉर्डिनेटिंग क्लास है। अब अगर इसको आप जोड़ दें पूरे सेंटेंस को तो अब आपका उत्तर कंप्लीट हो जा रहा है कि दिस इज द गर्ल, यही वह लड़की है फू स्लैप्ड मी, जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। क्लियर वॉइस? अब देखिए अगर आपको समझ में आ गया हो, एक और एग्जांपल आपको देता हूं यहां पर। क्या मीन्स श्रीनगर इज द प्लेस, श्रीनगर इज द प्लेस वेयर माई फादर, वेयर माई फादर लिव्स। दोस्तों देखिए यहां पर भी दो सेंटेंस है, एक क्लास यहां पर है, एक क्लास यहां पर है। यहां पर दिया है श्रीनगर इज द प्लेस, श्रीनगर इज द प्लेस, यानी यहाँ पर जो श्रीनगर दिया है ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये प्रेडिकेट है, यानी कि ये प्रिंसिपल क्लास हुआ, और ये वेयर रिलेटिव एडवर्ब है, यानी कि यहाँ से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो सबॉर्डिनेटिंग क्लास है। और अगर इसको आप जोड़ दें श्रीनगर इज द प्लेस, श्रीनगर ही वह स्थान है जहां पर मेरे पिताजी रहते हैं, तो मीन दैट आपका प्रिंसिपल क्लास भी और सबॉर्डिनेट क्लास भी दोनों क्लास को आप अच्छे प्रकार से समझ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या एग्जांपल देता हूँ आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लास, यानी देयर इज नो यूज ऑफ सबॉर्डिनेट क्लास इन कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में सबॉर्डिनेट क्लास का कोई प्रकार कोई भी यूज नहीं होता, कोई भी प्रयोग नहीं होता, केवल और केवल होता है तो प्रिंसिपल क्लास होता है, और वह प्रिंसिपल क्लास किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन होते हैं वो कंजक्शन वाले पार्ट में आपको मान बताएंगे, लेकिन आप याद रखेंगे यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने बताया, क्या मैंने यहाँ पर बताया कि आई वाज इल, मैं बीमार था, देयरफोर आई डिड नॉट कंप्लीट माय होमवर्क। देखिएगा यहाँ पर दो सेंटेंस यहाँ पर है, क्या आई वाज इल, एक से एक क्लास ये हुआ और एक क्लास यहां से लेकर यहां तक है। यहां पर भी सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, और यहां पर भी सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है आपका प्रेडिकेट है, यानी ये भी प्रिंसिपल क्लास और ये भी प्रिंसिपल क्लास, दोनों प्रिंसिपल क्लास है, ये भी प्रिंसिपल क्लास है और ये भी प्रिंसिपल क्लास है। जुड़ा किससे है, देयरफोर से जुड़ा है, देयरफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कारण और परिणाम वाले सेंटेंस को जोड़ता है, ये बात भी हम आपको बताएंगे कंजक्शन में। लेकिन देखिए हमने क्या बोला था, हमने बोला था ऐसा सेंटेंस जिसमें दो प्रिंसिपल क्लास हो, मतलब एक और दो, दो प्रिंसिपल क्लास हो और दोनों किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हों, उसे बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। एक और देखिएगा यहां पर देखिएगा हमने यहां पर लिखा रमेश is a writer and his brother is a singer। देखिएगा यहां पर दो सेंटेंस यहां पर भी है, क्या है,
एक सेंटेंस यहाँ पर दिया है, रमेश इज अ राइटर, यहाँ पर रमेश सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट है, यहाँ पर हिज ब्रदर सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये आपका प्रेडिकेट है, यानी इसमें भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसमें भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये भी प्रिंसिपल क्लास और ये भी प्रिंसिपल क्लास, और जुड़ा किससे है, जुड़ा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से। तो आई होप समझ गए होंगे ना आप कि जिस सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लास होता है और दोनों किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि यौगिक वाक्य। अब फ्रेंड्स आते हैं क्या, आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने क्या बोला था कि वह सेंटेंस जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास हो और दूसरा सबॉर्डिनेट क्लास हो और वो किसी न किसी सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से जुड़े हों, ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पर देखिए जो मैंने भी दोनों एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर देखिए इसमें एक प्रिंसिपल क्लास है और दूसरा सबॉर्डिनेट क्लास है, और एग्जाम्पल क्या है कि जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सबॉर्डिनेट क्लास हो और वो किसी न किसी रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू से जुड़ा हो, यानी ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है और ये है रिलेटिव एडवर्ब या सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक सबॉर्डिनेट क्लास है, यहाँ पर भी एक प्रिंसिपल और एक सबॉर्डिनेट क्लास है, और यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन से और ये रिलेटिव एडवर्ब से जुड़ा हुआ है, और जिस भी जिस सेंटेंस में भी ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है वो सेंटेंस आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अच्छे प्रकार से क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं समझता हूं। फ्रेंड्स अब इसके बाद दो सेंटेंस और बचे हुए थे जो मैं आपसे बोला था, एक क्या था, एक आपका था हाइपोथेटिकल सेंटेंस, एक था हाइपोथेटिकल और दूसरा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स याद रखिएगा व्हाट इज हाइपोथेटिकल सेंटेंस, आप कहेंगे द सेंटेंस विच बेस्ड ऑन एजम्पशन इज नोन एज हाइपोथेटिकल सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो एजम्पशन पर बेस्ड होता है, जो कल्पना पर आधारित होता है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोलते हैं, यानी कल्पना सूचक वाक्य बोलते हैं। क्यों, जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है वो हमेशा कंडीशनल वर्ड से शुरू होता है, कंडीशनल वर्ड यानी कंडीशनल वर्ड इफ या वुड दैट भी होता है, यहां पर वुड दैट ये कंडीशनल वर्ड है, यानी जो आपका हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है वो एजम्पशन पर बेस्ड होता है, उसमें ऐसी इच्छा की जाती है जो कभी फुलफिल नहीं होती है और वो हमेशा किसी न किसी कंडीशनल वर्ड इफ या वुड दैट से शुरू होती है या किसी ना किसी कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल वर्ड से शुरू होती है, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस। एक बात यहां पर आपको याद रखने वाली बात यह है कि फ्रेंड्स ये जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है इसमें सब्जेक्ट कुछ भी हो, किसी भी नंबर का हो, लेकिन जो वर्ब आती है वो वर्ब हमेशा वेयर के रूप में होती है, डब्ल्यू ई आर ई, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन इसमें जो वर्ब आएगी वो वर्ब क्या होती है, डब्ल्यू ई आर ई, वेयर होती है, यानी हमेशा चाहे हम आई बात करें, आई के साथ वाज का प्रयोग होता है ना सामान्य नियमों में, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वर्ब का प्रयोग हो, कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिखाया, एक कल्पना किया, मैंने लिखा यहाँ पर इफ आई वाज वर द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, क्या कंडीशनल वर्ड लगा है ना, अगर ऐसा होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, यहां पर इफ क्या है, कंडीशनल वर्ड है। अब मैंने आपसे बोला कि इसमें सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन वर्ब क्या होती है, वर्ब हमेशा वेयर का प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए, फिर मैंने यहां पर क्या बोला, इफ या वुड दैट आई वर अ वर्ड कॉमा आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा ये जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है वो क्या होता है, वह सेंटेंस जो कल्पनाओं पर आधारित होता है, जिसमें एक अनफुलफिल डिजायर होती है, कभी ना पूरी होने वाली इच्छा होती है, जो हमेशा कंडीशनल वर्ड से शुरू होता है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं,
हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोलते हैं, और हाइपोथेटिकल सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन यहाँ पर वर्ब हमेशा डब्ल्यू ई आर ई वेयर या वर का ही प्रयोग होता है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेंटेंस में आपको आई के साथ वास का प्रयोग दे देगा और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखेगा कि अगर वह कंडीशनल सेंटेंस है, अगर उसमें कल्पना है, अगर वह कंडीशनल वर्ड से शुरू होता है, तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब के रूप में डब्ल्यू ई आर ई का प्रयोग होगा और किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ये लास्ट सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस? आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें इच्छा होती है। कैसे इच्छा होती है? ब्लेसिंग की इच्छा होती है, जिसमें किसी को वरदान दिया जाता है, किसी के लिए प्रार्थना की जाती है, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, किसी को अभिशाप दिया जाता है। जिस वाक्य में भी अभिशाप, वरदान या आप कह सकते हैं कि आशीर्वाद, ईश्वर से प्रार्थना, दूसरे के वेलफेयर के लिए, ये सारी बातें निहित होती हैं, वह सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्या क्या होती है इसमें? विश होती है। कैसी विश होती है? फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर पर्सन, दूसरे के कल्याण के लिए यहाँ पर इच्छा होती है। और क्या होता है? आप बोलेंगे यहाँ पर ब्लेसिंग होती है, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद होती है, वरदान होता है। और क्या होता है? आप बोलेंगे इसमें कर्स होती है, अभिशाप होती है। तो जिस वाक्य में विस, ब्लेसिंग या कर्स का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। और याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मोस्टली मॉडल ऑक्सिलरी में से शुरू होता है, मोस्टली मॉडल ऑक्सिलरी में से शुरू होता है, और लास्ट में सेंटेंस जहां पर अंत होता है वहां पर हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने दिया, क्या दिया मैंने दिया? भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर आपको लंबी उम्र प्रदान करे। मे गॉड ब्लेस यू,